मध्य प्रदेश का चुनावी मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम निकल चुकी है। ये मध्य प्रदेश का महाकौशल इलाका है। ऊपर वाले ने इस पूरे इलाके को कमाल की खूबसूरती से नवाजा है। कहीं जंगल, कहीं पहाड़, तो कहीं मध्यम झरनों का शोर है। और कहते हैं कि यहाँ की सियासत भी कुछ खास है। जिस पार्टी ने इस इलाके की 38 सीटों को साध लिया, उसके लिए भोपाल की कुर्सी का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकौशल के एपी सेंटर माने जाने वाले जबलपुर में, ये समझने के लिए कि आखिर चुनावी रणभेरी बजने के बाद यहाँ के मतदाताओं का क्या है सियासी मिजाज और यहाँ के मतदाताओं का क्या है चुनावी मूड मीटर। तो चलेंगे महाकौशल के उन तमाम इलाकों में और तमाम मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर क्या कहता है उनका सियासी मूड मीटर। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास उस जबलपुर शहर से चुनाव के पंचनामा की शुरुआत कर रहे हैं जो शहर मध्य प्रदेश का दिल माना जाता है। जबलपुर का ये कमानिया गेट ऐतिहासिक गवाह के रूप में यहाँ खड़ा है। सुबह सुबह का वक्त है, लिहाजा सड़कों पर लोगों की भीड़ कम है। यही हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास की मुलाकात बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री शरद जैन से हुई, जो पिछला चुनाव शहर की उत्तर मध्य सीट पर 578 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने इतने जनहितकारी काम किए, आम जनता का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, बेटियों का कल्याण और अनेकों योजनाओं के माध्यम से। अच्छा सर, ये बताइए, आप कह रहे हैं तमाम काम किया उन्होंने, लेकिन पिछली बार भी आप कुछ सीटों से चूक गए थे और आप पे आरोप लगते रहे आपकी पार्टी के ऊपर से कि आपने लोकतंत्र की हत्या की। ऐसा आरोप लगाया गया कि आपने खरीद बिक्री की, दूसरे पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ लाए, कांग्रेस के ही विधायक थे, इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, लोग स्वेच्छा से आए थे और हमने स्वागत किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।